हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय इजी रेसिपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चरदा बिरयानी रेसिपी। वैसे तो सब लोग अलग अलग तरीके से चरदा बिरयानी बनाते हैं। कोई पूरा पीस की चिकन चरदा बिरयानी बनाता है, कोई छोटे छोटे पीस की बनाता है। तो मैं आज आपको ऐसे छोटे छोटे पीस की चरदा बिरयानी बना बताती हूँ। तो मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और हाफ के जी चावल लिए हैं। मैंने ये पके वाले चावल लिए हैं, आप कच्चे चावल भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हमको क्या क्या हमें तरीके से ज़रूरत है। हमने 3 टमाटर लिए हैं और 4-5 हरी मिर्ची लिए हैं और कांदा लिए हैं 2, 1 लेमन और अदरक, लहसुन, ये थोड़ा अचार, ये थोड़ा गरम मसाला, 2 इलायची, बड़ी इलायची, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा फूड कलर, गरम मसाला, चाट मसाला और ये जायफल, जावित्री। वो सबसे पहले हम लोग ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इसको हम लहसुन अदरक को पीस लेते हैं, इसमें ग्राइंड में डालते हैं, इसको पीस लेते हैं। ये मेरा लहसुन अदरक और मसाले का पेस्ट बनकर तैयार है। तो मैंने चिकन अच्छे से धोकर इसमें छन्नी में रख दिया था, पानी इसका सूख चुका है। अब इसमें कुकर में ऐड करना है इसको। इसमें ये पेस्ट हाफ इसमें डाल देना, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस ऐसी एक सीटी लगा। जितने हमारी सीटी लगती है इसमें, जितने हम ये सामान काट लेते हैं। ये हमारा कांदा कट कर तैयार है। ये मैंने फ्राई करने के लिए थोड़ा बारीक काटा है और ये ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा मोटा कट किया है। एक सीटी लग चुकी है हमारे चिकन में और हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। इसमें जो पानी बचा है ये हम लोगों को फेंकना नहीं है, इसको एक कटोरी में निकाल लेना है। मैंने चिकन प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हमें 1 चम्मच नमक, मिर्च, फूड कलर और गरम मसाला ऐड करते हैं। और 1 चम्मच चाट मसाला मिक्स करते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी है। अभी हमें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और एक बार ट्राई ज़रूर करना। अभी दूसरी ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये गैस पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है और अभी अभी इसमें हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। इस ग्रेवी में हमको नींबू भी ऐड करना है 2 मिनट के बाद ही मसाला हो जाए। तो हाफ नींबू ऐड कर देना है इसमें। इसमें नींबू ऐड कर दिया। अभी हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है। ये कांदा भी इसमें ऐड करते हैं। इसमें कांदा ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। हमको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। कांदा हल्का ब्राउन हो चुका है, उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ऐड कर रखेंगे इसमें, ऐड करेंगे 1 चम्मच थोड़ा नमक, फूड कलर और थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची। हमने इसको अच्छे से भून लिया है। हमारे टमाटर हल्के हल्के गल गए हैं, ज़्यादा नहीं गलाने बस। अभी हम चावल बॉईल करते हैं। राइस तैयार करने के लिए अभी हम इसमें कुकर में तेल गरम करेंगे और इसमें हमने जो गरम मसाला लिया, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सब इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा ज़ीरा। अब इसमें हम ये 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे। हमारा ज़ीरा देखो लाल हो चुका है। अभी इसमें जो हमारा पेस्ट बचा हुआ था लहसुन का, वो जायफल, जावित्री का भून लेंगे।
लहसुन का पेस्ट बन चुका है, मैंने कांदा रखा हुआ था फ्राई किया हुआ, हमने इसे ऐड कर दी थी, थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे, ऐड कर देंगे चावल के हिसाब से। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, और जो हमारा वो चिकन का पानी बचा हुआ था वो भी हम सब इसमें डाल देंगे, और फिर इसमें चावल डालकर 2 सीटी लगा देते हैं। चावल हमारे 1 घंटा फूल कर रेडी है, अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर दिया हमने चावलों में, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। अभी चावल में 2 सीटी लगा देते हैं, ये हमने दम में ले लिए तो हल्के से एक करनी है इसमें। अभी हम एक भगोना लेते हैं और इसमें इसकी तह लगाते हैं, पहले हम नीचे चावल डालते हैं, नीचे चावल डाले हैं और जो हमने टमाटर की बनाई थी इसमें एक लगा देते हैं। फिर इसमें ऊपर से राइस ऐड करते हैं, फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं, चिकन ऐड कर दिया इसमें, और फिर इसके ऊपर से फिर राइस ऐड करते हैं। तो ऊपर से हमने चिकन के ऊपर से राइस ऐड कर दिया है, फिर इसके ऊपर से बची हुई प्योरी टमाटर की जो हमने फ्राई करके रखी है ग्रेवी, वो इसमें डाल देते हैं सब। ये अचार जो हमने ये अचार लिया था, हम इसमें अचार भी ऐड कर, इसको हम छोटे चम्मच से फैला लेते हैं, और अब सब बचे हुए चावल सब इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। हमारी ये तह लगकर तैयार है बिरयानी की, अब हम इसको कम आँच पर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। हमने थोड़ा फूड कलर लिया है, इसमें थोड़ा सा केवड़ा ही डाल देते हैं, और इसको मिक्स करके इसको ऊपर से डाल देते हैं। ये कलर मैंने ऊपर से डाल दिया है इसमें, इसमें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें प्लीज़। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी बनके तैयार है, तो अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए हमने ये सब मिक्स कर दिए बिरयानी, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बिरयानी ये बनके रेडी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें चरगा बिरयानी रेसिपी।